लखनऊ में शातिर लुटेरा और 35,000 का इनामी राजीव श्रीवास्तव पुलिस मुठभेड़ में घायल। बीते मई में वजीरगंज में व्यापारी से की थी 3.5 लाख की लूट। राजीव श्रीवास्तव पर लखनऊ से प्रयागराज तक दर्ज हैं लूट और डकैती के कई मुकदमे। एसीपी चौक की अगुवाई में शहीद स्मारक के पास पल्सर से जा रहा 35,000 का इनामी राजीव श्रीवास्तव मुठभेड़ में हुआ घायल। आज दिनांक 6 जून को रात लगभग 12:30 बजे कंट्रोल रूम से ये सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम ब्रांच और वजीरगंज SHO की टीम के साथ कुछ अपराधियों ने इनके ऊपर फायर किया है। इनका पीछा करके जब इन्हें घेरा गया, इन्होंने मल्टीपल राउंड्स टीम पर फायर किया, पुलिस टीम पर। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ और एक अपराधी फायर करता हुआ अंधेरे का और दुर्गम स्थान का लाभ उठाकर भाग गया। घायल अभियुक्त से जब नाम पता पूछा गया, उसने अपना नाम राजीव श्रीवास्तव, हाल पता मड़ियाँव, मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला बताया। दिनांक 26 मई को थाना वजीरगंज के पांडेगंज इलाके में जो लूट की घटना हुई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।